अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बमनवाड़ी में यहाँ पर शांताई वृद्धाश्रम रखा हुआ, यानी कि एक बुढ़ापा घर। बुढ़ापा घर का तसव्वुर भले ही मुसलमानों में ना हो, लेकिन हर घर के अंदर इस तरह की कहानी देखी जाती है जहाँ पर बुजुर्गों के साथ ज्यादती की जाती है। और आजकल तो इस तरह के मामले काफी देखे जाते हैं जहाँ एक वालिदैन, एक माँ बाप, एक सास ससुर, एक सास बहू जो रिश्ते निभा नहीं पाते एक घर के अंदर, वहाँ पर यहाँ पर साबिक मेयर जनाब विजय मोरे साहब हैं, एक बड़े परिवार की तरह उस यहाँ के लोगों को संभालते हुए जा रहे हैं। सर, कई सारी जिंदगियाँ हैं, हर जिंदगी के पीछे कहानी है और उस कहानी को आप देखते रहते हैं उस तरह से, क्योंकि माँ बाप को, बच्चों को अब माँ बाप ही बोझ बनते जा रहे हैं तो तमाम, क्योंकि इंसान को कहते हैं कि उसका इम्तिहान बुजुर्गियत में, बुढ़ापे में आ जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो ऐसे बुजुर्गों को आप लेकर चल रहे हैं, आप ये कहानियां सुनकर आपको कैसे लगता है और ये आपको इंस्पिरेशन ये कहाँ से? हम लोग लास्ट 35 ईयर से सोशल एक्टिविटीज में काम करते वक्त हमारा इलाका था उधर से, एक जूनियर शिवाजी पार्क युवक मंडल के नाम से युवक मंडल चला रहे थे। तो हमको, हमारे फ्रेंड थे विजय पाटिल, वो हमारे मंडल के अध्यक्ष थे। एक वृद्धाश्रम में हम कुछ गिफ्ट देने के लिए हर बरस जाते थे। उधर देखने के बाद एक ही कास्ट के लोगों को उधर रखा था, तो विजय पाटिल ने सोचा कि बाबा हम क्यों नहीं सब कास्ट के लोगों को आश्रम निकालने का। तो इस तरीके से 1998 को विजय पाटिल के मदर के नाम पे शांता वृद्धाश्रम स्थापन हो गया। तो हमारा वृद्धाश्रम में क्राइटेरिया ऐसा है, जिसको लड़का है ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं, और जिसका गवर्नमेंट पेंशन है ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो ऐसे लोगों को भी नहीं लेते हैं। ये टोटली फ्री आश्रम चल रहा है। आपके माध्यम से बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। अभी आज ही देखो, मुझे बिल धोनी हमारे कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए इधर आए, आके सब हमारे आजाद जिनको कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दिया, इतना उनको अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आश्रम को इधर सपोर्ट करते हैं। आजकल कुछ बच्चे जो लड़के हैं वो भी माँ बाप को घरों से बाहर निकालने की वारदातें पेश आती हैं, तो ऐसे वक्त में आप कैसे करते हैं? नहीं, ऐसे वक्त में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को लेके आके एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके उनको बताता है कि बाबा माँ बाप ही आपके भगवान है, तो उनको आप घर से मत बाहर ये करो। तो बहुत सारे लोग ऐसे काउंसलिंग करने के बाद वो अपने माँ बाप को बाहर नहीं निकालते, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो माँ बाप के पास पैसा, हमने भी बहुत सारी जगह पर देखा कि कई लोग जो है बस स्टैंड पर छोड़ के जाते, हॉस्पिटल में छोड़ के जाते, यहाँ तक कि चोरला घाट में छोड़कर गए थे जिन्हें हम जाकर वापस लेकर आए थे। तो इस तरह की भी वारदातें हो रही है, लेकिन जिस कदर यहाँ पर आप देख रहे हैं बुजुर्गों के साथ जिस तरह का रवैया है, तमाम के चेहरों पर एक तरह की खुशी भी है और ये खुशी लाने का काम आप कर रहे हैं। तो मुझे कुछ कहानियां यहाँ पर है। जी, आपका नाम क्या है? विद्या दीवान। इधर आप कहाँ, कैसे आए? मेरा भाई आके भेज जाए। आपकी फैमिली नहीं है? नहीं, ये भी भाई है। तो यही आपकी फैमिली, मतलब आप किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं वगैरह? हमारे हमारे पास अभी ऑल टुगेदर 40 अज़ाजी जी है। जी, तो वो हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, सबको एक अज़ाजी रहते हैं, लेकिन हमको, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इधर जो सेवा करने वाले हैं उनको 40 लोग अज़ाजी है। तो एक आजाजी को संभालने के लिए आपने बताया कि आप भी चोरला घाट में से एक बुजुर्ग को लाके एक आश्रम में छोड़ दिया था, मैंने देखा है, बहुत बड़ा आपका अभिनंदन है। क्योंकि आपके जैसे चैनल वाले, आपके जैसे सोशल वर्कर, मुजब्बिल डोनी रंदे, बहुत सारे सोशल वर्कर, ऐसे लोग एक काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग गए 25 ईयर से ये आश्रम चला रहे हैं और खुद हमारा पूरा फैमिली ये काम में जुड़े हुए हैं, और ये फैमिली के साथ पाटिल फैमिली, संतोष ममदापुर फैमिली, वसंत बालिका फैमिली, ऐसे बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे बताइए? इधर मैं पहले इनके साथ, सर के साथ काम करती थी पाटिल के यहाँ, बाद में मैं इधर आई।
कितने साल से हैं आप? अभी 12 साल हुए। 12 साल आगे। क्या नाम बोले आपका? शोभा कुलकर्णी। शोभा कुलकर्णी कुलकर्णी आप बेलगाम से ही हैं? बेलगाम से ही है। कैंसर वॉरियर, ये लास्ट 8 महीने पहले 4 स्टेज कैंसर थी, ब्रेस्ट कैंसर कैंसर। तो हमारे केएलए हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिजीत गोगटे और पूरा केएलए के सब डॉक्टर्स इतना सपोर्ट करके उसको बचाया। आज 9 महीना हो गया विदाउट एनी कीमो, विदाउट मेडिसिन, ये फुल्ली रिकवरी हो गया बिकॉज ऑफ दिस आश्रम पॉजिटिव एनर्जी। तो देखो हाँ, ये पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप जो अभी अच्छे हैं। मैं कुछ तकलीफ नहीं ज्यादा होती। आप कहाँ से हैं? मैं बेलगाम से आई। बेलगाम से आप यहाँ तक कैसे पहुंचे बताइए। मैं पहला सिस्टर थी, सर्विस कर रही थी, वे भी उम्र हुई, क्या करने का कौन नहीं है, इसके वजह से मैं इधर आई। यहाँ पर आपको बिल्कुल इतना ही हाँ बहुत अच्छा है। मैं इधर क्या तकलीफ? कहते हैं कि माँ बाप जन्नत को ले जाने का रास्ता होता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे घरों में इस तरह की वारदातें देखने को मिलती हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक माँ 10 बच्चों को आसानी से पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं सकते। लेकिन आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में कई सारे वाक्य देखने को मिलते हैं, कई सारी हर एक जिंदगी के पीछे कहानी यहाँ पर देखी जाती है। और 40 जिंदगियां यहाँ पर मौजूद हैं, वो इत्मीनान के साथ हैं। और इसका तमाम अगर क्रेडिट जाता है तो वो विजय मोरे साहब को, जिन्होंने इस वृद्धाश्रम को बिल्कुल बुजुर्गों की दुआओं के साथ वो अपना चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वालिदैन के साथ बच्चे हुस्न सलूक करें, वालिदैन ही जन्नत का रास्ता है। लिहाजा इन बुजुर्गों की जिंदगियां देख सकते हैं, यहाँ पर आने की नौबत न दे, घरों तक ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि कितना भी करे तो बच्चे अपने ही होते हैं। लेकिन एक बच्चे से बढ़कर आप खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और हम विजय मोरे के हक में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कुव्वत अता फरमाए कि इस तरह के जितने भी बुजुर्ग हैं इनकी खिदमत को अंजाम दे। मोरे साहब, हमने आपके इस आश्रम का भी देखा, ये वृद्धाश्रम जो आपने किया हुआ है वाकई सराहनीय काम है, क्योंकि बुजुर्ग वालिदैन को इस तरह, ये एक क्या एक अफसोसनाक पहलू ही कह सकते हैं कि बुजुर्ग होने के बाद लोग घर में रखना पसंद नहीं करते। और बुजुर्गों के अंदर आपने देखा कि सेकेंड चाइल्ड बचपन आ जाता है, इस तरह के मामला। लेकिन आप उसके बावजूद भी उसको, आप और क्या कहना चाहते हैं कि अब बढ़ना चाहिए, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं समाज में बुजुर्गों को लेकर? आप क्या? नहीं, मैंने तो अभी लास्ट 25 वर्ष से मैं ये ओल्ड एज होम में काम कर रहा हूँ। हमारे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बहुत सारा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं दुनिया में बहुत सारे जगह पे घुमा हूँ, क्योंकि हमारा वृद्धाश्रम जितना अच्छा कैसा बनाने का वो देखने के लिए मैं बहुत सारे जगह पे जाता हूँ, उधर वृद्धाश्रम में जाता हूँ। लेकिन एक मेरे को ध्यान में आया है, बहुत गौरव से कहता हूँ मैं, कि मुस्लिम समाज में का कौन सा भी वृद्धाश्रम में आज तक मैं नहीं देखा। मैं बाद में स्टडी किया, पूरा वर्ल्ड में आज तक ऐसा मुस्लिम समाज का ओल्ड एज होम अभी तक नहीं देखा। तो एक मुस्लिम समाज में बुजुर्ग लोगों को जो रिस्पेक्ट देने का, सच्ची में वाकई बहुत तारीफ करने का जैसा है। लेकिन हमारा जो बाकी के समाज के लोग भी है, उनको कुछ तो बहुत गरीब रहते हैं, ऐसे लोगों को उनके पास पैसा नहीं रहता, ऐसे लोगों को रखते हैं। पेड़ आश्रम भी है, लेकिन पेड़ आश्रम में भी मैं घुमा हूँ बहुत सारे, उधर भी मैं देखा मुस्लिम को फैमिली का कोई भी एक बुजुर्ग बाबा उधर जाके पेड़ आश्रम में देखा नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के लोगों को भी ऐसा भगवान प्रेरणा दे करके मैं कुछ। विजय मोरे साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर घूमा फिरा हूँ, जायजा लिया हूँ, बुजुर्गों की जिंदगियों को टटोलने की कोशिश किया हूँ, लेकिन मुसलमानों के अंदर यानी कि मुस्लिम बुढ़ापा अगर कहीं पर नजर नहीं आया, यह एक वाकई। बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक रखता हूं, और ये भी उतना ही सही है कि जिस तरह से दुनिया इस हम आखिरी दौर के गवाह हैं, इनके कयामत के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। लिहाजा आजकल हम देख रहे हैं कि माँ बाप को लेकर घरों में किस तरह का बर्ताव बच्चे करते हुए देखा जा रहा है, माँ के साथ बाप के साथ। जिन वालिदैन ने अपनी जिंदगी का तमाम सरमाया लुटाकर बच्चों को एक जिंदगी बख्शी, वही बच्चे जब वो बुढ़ापे
की कगार पर पहुंचते हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनके साथ उनकी जिंदगी को दोजख बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। लिहाजा जिस तरह से विजय मोरे साहब ने मुसलमानों को लेकर एक बात पेश की, ये भी वाकई सराहनीय कह सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।